नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके न्यूज़ पॉइंट पर और मैं हूं आपकी मेज़बान आपके साथ प्रियंका चौधरी। और कार्गो सर्विसेज जब शुरू हो जाएंगी तो जम्मू कश्मीर के जितने भी कारोबारी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उन्हें जो प्रॉफिट है वो हो सकता है, वो प्रॉफिट उन्हें कैसे होगा आपके साथ खबर साझा कर दूँ कि जम्मू कश्मीर के व्यापारी अब श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विभिन्न देशों में सामान का सीधा आयात और निर्यात जो है वो कर सकते हैं, यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अब सीधे तरीके से किया जा सकता है, वो भी श्रीनगर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से, और वो भी एक देश नहीं, आप बहुत से देशों के साथ आयात और निर्यात का जो व्यापार है वो कर सकते हैं। वहीं पर केंद्र सरकार ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विदेश में वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए कस्टोडियन और कार्गो टर्मिनल अधिसूचित जो है वो कर दिया है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो श्रीनगर है उसमें कुछ ऐसे बंदोबस्त किए जा रहे हैं जिससे यात्रियों को भी फायदा हो, लेकिन अब फायदा जो है सीधे सीधे कारोबारियों को देते हुए भी एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया गया है और इस योजना से बहुत से कारोबारियों के चेहरे जो हैं वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्देशों के अनुसार श्रीनगर जो हवाई अड्डा है वहाँ से अब कोई भी विमान कंपनी अपने कार्गो की विमान सेवा शुरू कर सकती है और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवा से ही आयात और निर्यात करके किसी भी किस्म के अपने व्यापार को रन जो है वो कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी व्यापारी हैं उनसे उन्होंने आग्रह किया है कि आप श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपलब्ध कार्गो की सुविधा का लाभ जो है वो ज़रूर उठाएं। देखिए, कोई भी इस सुविधा से वंचित ना रह जाए, इसलिए हम भी अपने मीडियम के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। और वहीं पर श्रीनगर के रास्ते से पहले मुंबई, दिल्ली और गुजरात पहुँचता है और फिर यहाँ से कार्गो के ज़रिए आप अपनी मंजिल तक के लिए रवाना जो पहले सामान करते थे इस तरीके से किया जाता था, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। जो पहले प्रोसीजर था, जो पहले एक हॉल्ट के साथ आपका सामान पहुंचाया जाता, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब व्यापारी श्रीनगर से ही सामान को विदेश में कहीं से भी निर्यात कर सकता है, यानी कि अब आपको ज़्यादा जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो व्यापार है सटीक और सीधे ढंग से किया जा सकता है। इससे स्थानीय कारोबारियों में पैसे का भी उन्हें लाभ जो है वो मिलेगा और साथ के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जितनी भी संभावनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ेंगी और लाजम तौर पर जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को इसका फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा। अब सिर्फ इतनी सी देरी है कि आप इसका लाभ कब तक उठाते हैं, कैसे उठाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कीजिए इस सुविधा के बारे में, ताकि समय रहते वो भी अपने व्यापार को एक्सपैंड कर सकें और ये जो सुविधा दी गई है इसका लाभ उठा सके। फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मैं ऐसी कुछ अपडेट लेकर आप सबके समक्ष हाजिर होते रहूँगी। धन्यवाद।